रोक दे भैया, रोक दे, रोक दे। सरला, ए बेटी सरला। दादू, पाजी दादा जी आ गए। बच्ची, तू इन्नी सी होती थी जब मैंने तेरे को देखा इन्नी सी, और आज, आज भी इन्नी सी है तू। कपिल शर्मा शो आप ही हो? आप ही हो? हाँ। सरला, बेटे सामान रख दे मेरा अंदर। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आपका शो यार, कमाल है। मैं तो कहता हूँ इनका शो इन्हें अच्छा लगता है मेरे को, आप सारे चैनल पे चलाओ यार शो, सारे चैनल पे चलाओ। वो जो मैं तो कहता हूँ वहाँ भी चलाओ, जो पानी के बीच में ना इंग्लिश चैनल उस पर भी चलाओ यार। साहब जी पैसा? हाँ पैसा बहुत है भाई, इसको बता हमारी दिल्ली में कितनी कोठियाँ हैं, कितने कितने घर हैं, पैसे दे दे इसको। हाँ दादू, हाँ कितना हुआ भैया? आपका तो बहुत ज्यादा हो गया, कम कीजिए। मैं पैसे की बात करूं, लुके बठे कितना हुआ? पूरा 50,000। क्या 50? दादाजी को लायो, गब्बर को लायो, सरकार से नाम मांग लो 50,000। दिल्ली से बाय रिक्शा आएंगे तो इतना ही लगेगा। ऐसा पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। ये मुंबई के पुलिस स्टेशन में मत लिखाइयो यार, तेरी जान पहचान ये नैनीताल के पुलिस स्टेशन पे, वहाँ मेरे को भेज यार, ठंडा मौसम है। यार जाओ यार, तुम लोग तो बाकी करना बेकार, चल दफा हो यहाँ से। वैसे मैं ना फ्लाइट से भी आ भी जाता, लेकिन मेरे को पता चला कि आजकल सिद्धू जी के चक्कर में ना फ्लाइटें बड़ी लेट हो रही हैं। कैसे? क्योंकि पायलट इतना नहीं बैठता फ्लाइट में जितने ये बैठते हैं। और अभी 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 कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, ये सीट पे बैठे, सीट पे बैठे, कहते पीछे 5 लड़के और बिठाओ। कहते पीछे तो सीट 3 ही है, कहते 2 सीटें पंजाब से मंगा लो, हमारे पास सीटों की कमी थोड़ी है। आयुष्मान हो आप? हाँ जी। खुराने जी के बेटे? हाँ जी हाँ जी। आप जानते हैं ना? ओ खुराना जी को मैं कौन नहीं जानता यार, खुराना जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे, हम पत्ते साथ खेलते थे। पत्ते खेलते नहीं है वो टैरो कार्ड रीडर है। ओ मैं जब भी कहूँ वो पत्ते अपनी तरफ क्यों रखते थे। खुराना जी सबका फ्यूचर बताते हैं, मैंने खुराना जी के बेटे का फ्यूचर बताया, आयुष्मान आपका फ्यूचर बताया, मैंने कहा खुराना जी आपका बेटा एक दिन बड़ा होके जेंट्स बनेगा। वो तो सारे लड़के जेंट्स होते हैं। तो फिर तुम सारे जेंट्स को लेडीज क्यों बना देते हो? सिद्धू जी दिल्ली में किसी बच्चे से पूछो बेटा बड़े होके क्या बनेगा, कहता है कपिल शर्मा शो में लेडीज बनना है। अच्छी बात है ये। दादाजी चलिए ना, आप अंदर चल के पहले फ्रेश हो लीजिए, बाद में बात कर लीजिए। फ्रेश? हाँ कृति। हाँ जी। मैं शक्ल से जरूर धोला कुआं लगता हूँ, लेकिन दिल मेरा करोल बाग है, और आपको देख के ना मैं सही बता रहा हूँ, जिंदगी जो है ना मेरी चांदनी चौक होगी। क्या बात। अरे राजकुमार या कमाल यार, इस बंदे के साथ कपिल बड़ा गंदा हुआ है। क्या हुआ यार? क्वीन में इसकी बीवी छोड़ के भागी है ना। हाँ। ट्रैप में एक कमरे में बंद हो गया है ना। हाँ। अलीगढ़ में ये मनोज वाजपेयी के पीछे पीछे रहा। आप गुड़गांव के हो ना? आपके लिए मैं लड़की ढूंढूंगा। थैंक यू सर, प्लीज डोंट वरी। वो बाद में, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी है। वैसे आपने मुझे इतने टाइम से फोन क्यों नहीं किया? तूने मेरे को फोन गिफ्ट दिया जब मैं कर दी था। अरे वो तो कपू मेहमानों को गिफ्ट देता है। तो मैं भी तो कोई दिन का मेहमान हूँ, मेरे को ही दे देती है, चोरी करके ही दे देती। आपको शर्म नहीं आती अपनी पोती को चोरी सिखा रहे हैं आप? तो मैं तो किसी की भी पोती को सिखा सकता हूँ चोरी करना है, वो तो इसमें हुनर था, ये बन गई चोर। हम तो मतलब वो सुनाएगी तेरे को, पैसे भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा। अरे खाना खाना आप अंदर खा लीजिए, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। भूखा ना मर जाऊं मैं, वो जो खाना खाऊं बढ़िया एक खाना बनाने वाली। आप मेरे दिल्ली से क्या लाए? मैं तेरे लिए आम लाया हूँ। ये तो गुटली है। हाँ तो इसको जमीन में गाड़ दो, 2 साल के बाद आप मिलेंगे। गुठली कौन लाता है? गुठली कौन लाता है, ऐसे कह रही है, गुठली जब तू पैदा हुई थी ना, जब गुठली जैसी थी, और अब अभी तो गुठली जैसी है। दादाजी आप करने क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे
शादी करने आया हो मुंबई में, सुना है शादियां बड़ी आसानी से हो जाती है, सिद्धू साहब बता रहे थे मेरे को। किसकी करनी है शादी? मेरे को क्या नाम है मेरी। क्या दादाजी आपकी उम्र हो गई है, आपके दांत भी गिर रहे हैं, क्या मतलब? तो दांत का क्या, मुझे कोई गन्ने थोड़ी चूसने हैं। हम बर्फी खा लेंगे, वैसे भी बरेली की बर्फी की बात ही कुछ और है। है ना? वैसे मैं आपको बात बताऊं कृति जी, मेरे को दो तरह की लड़की बड़ी पसंद है। एक तो वो जो पसंद आ जाए, दूसरी वो जो बात मान जाए। जो बात मान जाए, जो बात मान जाए, क्योंकि लड़कियों की मैं करता हूँ रिस्पेक्ट और उनसे मोहब्बत करता हूँ एक्सपेक्ट। ये क्या बात बनी? तो राइम तो बन गई ना, अब राइम बन गई तो रिश्ता भी बन जाएगा। वैसे इंसान को ना हौसला होना चाहिए, क्योंकि घोंसला तो चिड़िया के पास भी होता है। दादू आप कैसी बातें करें, आप सबको बताएं ना कि हम लोग खानदानी डॉक्टर हैं, आप कितने बड़े वैद्य अभी। अब मेरे को याद आया, अच्छा हुआ तूने मेरे को याद दिला हाँ। दिया, मैं 2 साल तक सिद्धू साहब वैद्य रहा हूं। अच्छा? के बाद? फिर सरकार ने मेरे को अवैध कर दिया। दादू मैं इसे पसंद करती हूँ, इसे शादी करवा दो। तेरी शादी मैं किसी राजकुमार से कराऊंगा। दादू राजकुमार तो यही आए हुए, आए हुए हैं ना, गए हुए नहीं है ना, जो तुझसे शादी कर ले। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.